हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट देख रहे थे और आज हम लोग मिनी मॉक टेस्ट नंबर 46 पर आ चुके हैं। और हर एक वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। लास्ट वीडियो था शायद मैं 10 क्वेश्चन ही आपको दे पाया था, तो फिक्र रहिए मैं किसी दिन आपको ऐसा वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें 4 क्वेश्चन जो छूट गए हैं उनको इंक्लूड कर लूँगा उसमें। चलिए आज के अपने इस वीडियो में जो 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ उसको शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं कह दूँ कि जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो भी हमारे वीडियोस डेली मिलते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आज आपके सामने आ चुका है। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2। अगर मैं इस 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं और इस साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स इनटू cos x लिखते, तो आप क्या देखोगे नीचे sin x cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये जैसे ही रूल हटाएंगे तो यहाँ भी sin x cos x और भी sin x cos x होगा, कुल मिला के 1 बचेगा। और 1 का इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत आसान है, डायरेक्टली हम उसको x प्लस सी कर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x प्लस सी, यही आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बोला गया है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब ई और एफ दोनों जो है वो स्वतंत्र घटना है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए घटनाएं दो होती हैं, एक होती है स्वतंत्र घटना, एक होती है अपवर्जी घटना, ठीक है ना। स्वतंत्र घटना यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट और अपवर्जी यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं वो हम लोग लिखते हैं कि यूनियन एफ इक्वल टू होता है पीई इंटू, ठीक है ना। और बात करें अगर हम अपवर्जी घटनाओं की तो उसके लिए होता है पी और यहाँ इंटरसेक्शन और ये यूनियन होता है, ठीक है ना। प्लस ये होता है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में और ये होता है इंडिपेंडेंट। आप याद कैसे रखेंगे कि इंटरसेक्शन कैसे, किसमें इंटरसेक्शन है और किसमें यूनियन है, बहुत आसान है याद रखना। आई से आप याद रखिएगा इंटरसेक्शन, आई से आप क्या याद रखेंगे, आई से आप इसे याद रखेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आई लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन, और फिर आप सिंपल सी बात है, सिंपल एक चीज अगर आप याद रख लेंगे तो दूसरी अपने आप याद करेंगे। यहाँ देखिए कंफ्यूज आपको किया गया है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है पीई प्लस पी एफ जबकि ऑप्शन सी लिखा हुआ है, ऑप्शन सी लिखा हुआ है आपका पीई इंटू पी एफ, ठीक है ना। लेकिन आंसर हमारा करेक्ट कौन सा होगा, आंसर हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर सी पीई इंटू पी एफ, क्योंकि हमसे अपवर्जी घटना नहीं पूछा गया। अगर अपवर्जी पूछा गया होता तो हमारा आंसर बी होता, सॉरी ए होता, लेकिन फिलहाल इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पूछा गया है तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, चलिए इसे बनाइए। लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/4, हमें इसे कैसे करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो ये लिखा हुआ है ना टेन इनवर्स 1/2 और टेन इनवर्स 1/3, ये डायरेक्टली कई बार पूछा गया एग्जाम। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो इतने का ही मान आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स 1 यानी कि 5/4 मिल जाएगा, टेन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 4। आप चाहें तो इसको कर लीजिएगा, मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू पाई बाई 4 होती है, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, आप याद भी रख सकते। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो 1 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5/4 और यहाँ आ जाएगा 3/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स 5/3, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होता
बाई थ्री। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स डिग्री, चलिए कॉस एक्स डिग्री का हम लोगों को इंटीग्रेशन करना। तो देखिए हम डायरेक्टली कॉस एक्स डिग्री का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कॉस एक्स का, ठीक है ना। लेकिन हम सभी लोग ये जानते हैं, नंबर चार है, कभी भी अगर कॉस एक्स डिग्री लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स डिग्री की वैल्यू होती है पाई एक्स बटे 180। तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे पाई एक्स बाई 180 रख सकता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा कॉस पाई एक्स बटे 180 डिग्री। अब मैं इसका अगर इंटीग्रेशन करता हूँ तो कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका साइन पाई एक्स बटे 180। लेकिन ये जो पाई बाई 180 ना इससे डिवाइड हो जाएगा, जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो पाई नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 180। इसका आंसर ये करेक्ट होगा। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 180 बटे पाई लिखा हो और यहाँ पे एक्स डिग्री लिखा हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा दिया। तो पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर माइनस साइन एक्स डिग्री है, ये तो सरासर गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखें तो सीधे साइन एक्स डिग्री लिख दिया गया है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है 180 बटे पाई साइन पाई एक्स बटे 180 प्लस सी, ये आंसर हमारा राइट आंसर होगा, जबकि ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका कौन सा लगाएंगे, सी नंबर। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है हमारा आज का ये 5। लिखा हुआ है कि यदि 1 प्लस x की होल पावर 21 के प्रसार में x की पावर r और x की पावर r प्लस 1 के गुणांक जो है वो बराबर है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r एंड x की पावर r प्लस 1 आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस x की होल पावर 21 में इसमें x की पावर r का और x की पावर r प्लस 1 का कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो अगर हमें r x की पावर r का कोफिशिएंट निकालना है तो जो ये है सॉरी यही आपका r का मान हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ तो इसके लिए जिसका कोफिशिएंट होगा x की पावर r का वो होगा 21 सी r, ठीक है ना, और इसका हो जाएगा 21 सी आर प्लस 1, दोनों इक्वल दिए गए। और आपको ये मैं कई बार इस बारे में बता चुका हूँ कि कभी भी अगर एन सी एक्स बराबर एक्स वाई हो तो हमेशा एन बराबर एक्स प्लस वाई या एक्स बराबर वाई, ठीक है ना, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे आर और आर प्लस 1 तो बराबर होंगे नहीं क्योंकि फिर आर का मान फ्रैक्शन है या आएगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता हूँ वाली के तो हमें मिलेगा आर आर प्लस 1 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे 2r की वैल्यू हमें 20 मिल जाती है, तो r की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 10। तो r का मान पूछा गया है, आंसर सीधे क्या लगा देंगे हम लोग, 10, यानी कि बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन नंबर हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 5 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा हुआ है कि यदि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर m और 1 प्लस ओमेगा की होल पावर 4 की होल पावर m और ओमेगा अधिकल्पित घनमूल है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मान लीजिए आप ओमेगा को, तो m का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मतलब m की न्यूनतम वैल्यू, m की मिनिमम वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर m और 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 की पावर m, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप माइनस ओमेगा लिख सकते हैं और 1 प्लस ओमेगा की जो ओमेगा क्यूब लिखा है उसकी वैल्यू 1 होती है और इसके इंटू में ओमेगा भी लिख सकते हैं, तो ओमेगा बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की पावर m और 1 प्लस क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा का मान माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा पावर m और यहाँ आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर, ठीक है ना। अगर आप देखें तो माइनस 1 की पावर m यहाँ से भी कॉमन आएगा, माइनस 1 की पावर m यहाँ से भी कॉमन आएगा, दोनों कट जाएंगे, यहाँ बचेगा ओमेगा की पावर m इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 2m। अगर आप इसको उधर ले जाते हैं और इसमें डिवाइड कर देते हैं या एक बार क्योंकि दो बार लिखा हुआ है,
एक बार कट जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा की पावर एम इंटू ओमेगा की पावर एम लिखा, ये तो इसका मतलब हुआ दो बार, ठीक है ना। तो एक कैंसिल कर सकते हैं तो बचेगा ओमेगा की पावर एम इज इक्वल टू वन। हमें पता है कि वन जो है ओमेगा क्यूब का मान होता है, तो एम की वैल्यू यहाँ से हमें तीन मिल जाएगी। एम का न्यूनतम मान क्या होगा? तीन। तीन से बड़ा फिर छह भी हो सकता है, नौ भी हो सकता है, बारह भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम मान जो है वो आपका तीन है। इस क्वेश्चन का आंसर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर है, सॉरी सेवन है हमारा। लिखा हुआ है कि यदि दो राशियां 9:1 एक के अनुपात में और दोनों राशियों के बीच गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य का अनुपात क्या होगा? चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। 9:1 हमें दिया गया है राशियों का अनुपात, मतलब अगर एक राशि को ए 9 ले लें और बी को हम लोग 1 ले लें, तो अगर मैं इनका समांतर माध्य निकालता हूँ जो होता है ए प्लस बी बाई टू, ए एम अर्थमेटिक मीन 9 + 1/2 हमारा 5 आ जाएगा, और गुणोत्तर माध्य जी एम जो होता है हमारा अंडर रूट ए बी, तो ए की जगह हम लिख सकते हैं 9 और बी की जगह 1 लिख सकते हैं, तो 3 आ जाएगा। तो ए एम और जी एम का रेशियो निकाल लेते हैं, आ जाएगा 5:3, ये इसका तो ऑप्शन नंबर बी करेगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए डिटरमिनेंट से लिया गया है। लिखा हुआ है ए बी सी, फिर एम एन पी, फिर एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू हमें के मिलेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 है जो, ठीक है ना, आई थिंक में 9 लग रहा है। ए बी सी एम एन पी और ये लिखा हुआ है आपका एक्स वाई, तो मान आपको के दिया और मान हमसे पूछा गया है 6a 2b 2c 3m n p 3x y और z। यहां से आप देखें तो तीन कॉमन मिल जाएगा इस c1, ठीक है ना, और इस r1 से भी आपको दो कॉमन मिल जाएगा, तो आपके पास बचेगा a b c m n x y z, ये हो जाएगा 6 और इसकी वैल्यू हमें k दी गई थी, तो आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि तो आपको कहाँ मिल रहा है डी ऑप्शन, तो आंसर डी करेक्ट है 6। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि डिटरमिनेंट a तीसरे क्रम की वर्ग आवयु a के सारणिक मान को निरूपित करता है, मतलब जो ये डिटरमिनेंट a लिखा हुआ है ये कोई एक ए आवयु है जो 3×3, यानी कि इसका वर्ग वर्ग आवयु है और 3×3 की, यानी ए 3×3 की एक वर्ग आवयु है, का डिटरमिनेंट जो है वो ए, तो आपको बताना है कि -2a का मान क्या होगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट के a इज इक्वल टू होता है k की पावर n डिटरमिनेंट a, जहाँ पे n जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर लिखा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑर्डर 3 दिया है, इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे -2 की पावर 3 और डिटरमिनेंट ए, इसकी वैल्यू माइनस का 8 हो जाएगी डिटरमिनेंट ए, तो आंसर होगा माइनस का 8 डिटरमिनेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो ये है देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 था, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यदि बिंदु a, 0, 0, b और 1, 1 समरेखी है, समरेखी का मतलब है आपको जो पॉइंट दिए गए हैं किसी भी ट्रायंगल के हैं और ये कोलिनियर है, क्या है? कोलिनियर, ठीक है ना। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी कंडीशन आपकी ट्रू होगी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनकी स्लोप जो होती है वो इक्वल होती है, या फिर उनका जो एरिया होता है वो जीरो होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इनकी स्लोप निकालने वाले, लिखा हुआ है a, 0, 0, b और 1, 1, ठीक है ना। पहले इनकी स्लोप निकाल लेते, तो ये m1 आ जाएगा, x2 - x1 y2 - y1। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है स्लोप का, अगर दो बिंदु x1 y1 दिए गए और x2 y2 दिए गए, तो इनकी स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1/x2, ठीक है ना। तो y2 कितना है? 0 - b - 0 अपॉन 0 - 1, यानी कि b माइनस
और यहाँ पे M2 की बात करें, इसकी स्लोप निकालते हैं अगर हम, ये कितनी आ जाएगी, 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस जीरो, यानी कि 1 माइनस बी आ जाएगी। ये दोनों बराबर है, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए प्लस ए बी इज इक्वल टू बी, हम इस ए को उधर ले जाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, हम लोग ए बी से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन बी और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 आ रहा है, जो हमें सी ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। देखिए कुछ बातें मैं हर बार आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ, कि आप हमारी वीडियोस यहाँ तो देख ही रहे हैं, साथ साथ आप अनअकैडमी पर भी आ सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे आते हैं तो आप हमसे यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ अनअकैडमी पर भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, सुबह तो मॉर्निंग में 7 से 8, फिर 8 से 9, फिर रात को 7 से 8, फिर 8 से 9 और फिर रात में 9 से 2, मतलब 5 क्लासेस में ऑलरेडी आपको वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जिसमें एक क्लास जो है वो हमारी प्लस की है, इसमें प्लस क्लासेस ले रहा हूँ, 2 क्लासेस हैं और बाकी की जो 3 क्लासेस है वो स्पेशल क्लासेस है, जिसे कोई भी अटेंड कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उन क्लासेस को भी ले सकते हैं। अगर आप उन क्लासेस को वहाँ पे लेते हैं, आते हैं हमारे पास, पढ़ते हैं हमसे वहाँ पे, तो बहुत सारे फीचर्स रहते हैं जिनका आप वहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया है, आप पेड कोर्सेस पढ़ रहे हैं, तो एक वहाँ पे आपको फीचर मिलता है जिससे कि आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। पता चला मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया, मैंने यहीं पे अभी आप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मान लीजिए, तो अभी डायरेक्ट लगा दिया, आपको फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, ठीक है ना, आपको नहीं पता है, आपने तुरंत रिजेक्ट किया कि सर आपने जो फॉर्मूला बताया मुझे आता नहीं है, प्लीज पहले से बता दीजिए। तो मतलब आप डायरेक्टली इनसे बात कर पाएंगे, इस रिजेक्ट के फीचर लिखा हुआ है, देखिए आप पढ़ सकते हैं स्लाइड में, टॉक विथ योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लास एंड क्लियर योर डाउट, अपने डाउट्स को डायरेक्टली हमसे टॉक करके पूछ सकते, ये बहुत अच्छा फीचर है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं वहाँ पे। इसके साथ साथ एक फीचर और देखिए मिलता है, आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी। इससे क्या कर सकते हैं, इससे आप अपने डाउट जो है वो हमारे पास तक भेज सकते हैं। अगर मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें कोई भी आपके डाउट्स आते हैं, आप जब क्वेश्चन को लगाएंगे सर पे, तो जाहिर सी बात है आपको डाउट्स तो आएंगे ही आएंगे, तो उन डाउट्स को आप डायरेक्टली हमसे इस फीचर की मदद से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप आइए यहाँ पे पढ़िए, बहुत मजा आएगा, नया सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल इन सभी फीचर्स का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे क्लासेस जो यहाँ पे मैं अभी मिनी मॉक टेस्ट ले ही रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं ये सोच रहा हूँ कि हर संडे को कम से कम एक क्लास आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है ना। तो बहुत जल्द ऐसा भी आपके साथ होने वाला है और आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, इनके बारे में अपनी मैं क्लासेस में आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना। आज की क्लास को फिलहाल भी मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं अपने अपने नेक्स्ट पार्ट को, यानी कि मिनिमम टेस्ट नंबर 7 में। अभी के लिए यहीं तक, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।